माशाल्लाह जी, अभी गाड़ी जो है इनके रेडी हो रही है। जैसे आपने पहले जो है मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है ना कई बार जा रहे हैं, जाने वाला है। अल्लाह हाफिज़, बाय। असलम खान सोए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो रहे हैं अभी बना लिया इन्होंने एक और पाना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बाइक भी आ चुकी है, आटा भी एक अभी गंदम लेके गए, आटा लेके आए। बैठा है जी मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक, क्या हाल है? कहाँ गए थे के जा रहे हो कहीं पर? नहीं नहीं, घर से आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिर फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर नहीं आते हैं चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। हाँ जी, बाइक लाख लगी हुई है, ये वाली लाख पे लगेगी और ये वाली कुछ पे लगेगी। तो अभी जी काम हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है घर का, जैसे डेली की रूटीन होती है सफाई वगैरह। और नादिया जो है वो कुछ बिस्तरे वगैरह जो हमने मेहमान वगैरह थे वो बाहर निकाले थे, बिस्तरे वगैरह वो जो है वो भी बक्से में पेटी में डालने थे, क्योंकि न्यू वाले बिस्तरे थे ना मेहमान वगैरह के लिए, तो वो डाल काम कर रही है। उसके बाद बाहर का झाड़ू वगैरह, इस कमरे की मुकम्मल सेटिंग करनी है और मुकम्मल जैसे जैसे भी जो भी काम करेंगे आज का वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इधर चल के देखती हैं अंदर कौन सा काम उन्होंने कर लिया है और कौन सा अभी जो है वो होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जबरदस्त है? जबरदस्त है माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल खिलते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मजेदार सा व्लॉग। तो ये बक्से वगैरह इन्होंने उठाया थे, वो वाला बक्सा, ये वाला, ये वाला, ये सारे बक्से छोटे छोटे हैं क्योंकि इसमें ना बच्चों के कपड़े वगैरह और सामान वगैरह जो पड़ा रहता है। और ये नीचे वाला पेटी जो है इन्होंने ये खोली थी क्योंकि बाहर जो है रजाइयाँ वगैरह हमारी बिस्तरे वगैरह वो मुकम्मल बाहर रखे थे, वो इधर रख दिए हैं। हाँ जी। और बाकी जो है इंशाल्लाह जैसे भी काम, बाकी ये मैले कपड़े थे बच्चों के, ये मैंने इकट्ठे कर दिया है, ये वाले काफी सारे पड़े हैं, इसको अभी बाहर रखती हूँ। और ये देखे सफाई वगैरह वाला काम जो है मुकम्मल वैसे का वैसा पड़ा है, क्योंकि ये नाश्ता भी दे दे हमें फिर बाद में आप ना नाश्ता दे देती हूँ, फिर जो है ना मैं झाड़ू वगैरह वाला काम आप काम करती रहना, मुझे नाश्ता देना, मुझे भूख लगी हुई है। चलो जी ठीक। ये कैसे रखे हैं ऊपर कप वगैरह? ये आएंगी मुर्गियाँ ये सारे तोड़ देंगी। ये डिब्बा इनका फट गया था तो इसलिए मैंने बाहर, फिर कुछ सेटिंग के रखे ना, एक बार देखे कहाँ पर रखा है ये सामने। हाँ जी, वो वाला जो कप है ना ये सही नहीं थे, मैंने नादिया को कहा इनको ना सेट कर दे, क्योंकि मुर्गियां मगर ये मुर्गियां जो है मेरी वो अंदर आती हैं अंडे देने के लिए, फिर ये ना हो कि ऊपर जाएं और वो सारे गिरा के तोड़ दे। अभी क्या साला प्रोग्राम है खाने का? चले आपको नाश्ता दे देती हूँ, मैंने तो नाश्ता कर लिया था। आपने कर लिया इतना जल्दी? आजकल इंतजार वगैरह नहीं करती मेरा? भी नहीं करती यार, मैं कहती हूँ कि आप जैसे ही आओगे तो खुद खा लेना, लेकिन मैं जो है अपना खाना टाइम पे खा लेती हूँ। गरम गरम रोटी होती है ताजी, जैसे ही बनाती हूँ तो वहाँ चूल्हे में बैठी होती हूँ, वहाँ पर सालन वगैरह गर्म होता है, खा लेते। अच्छा ये देखें जी, अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ना काम पीछे जा रहा है, तो वो सच कहते हैं ना। सही है ना, आपका इंतजार करते 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 मुझे 12 बज जाती थी, तो इसलिए दोपहर के खाने का टाइम होता था तो आप सुबह का नाश्ता कर रहे होते थे। नाश्ता असल में मैं लेट करता हूँ, लेकिन आज जो है ना तकरीबन आज भी 9 का टाइम तो हो रहा है, 10 हो गई है, बल्कि 10 बजे मैंने करना है जी नाश्ता। तो ये है जी चारपाई, ये मेरा चश्मा है, ये बाइक चलाने के लिए चश्मा है ना। तो अभी बैठते हैं जी, नाश्ता करते हैं, अगर आपने किसी ने करना है तो मेरे साथ आके कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है अल्लाह के फजल करम से।
अभी जो है बाकी का काम काज करते हैं, ऐसा ऐसा जो भी हो सकेगा हमसे वो करेंगे आज, फिर उसके बाद देखेंगे कि आज की रूटीन में हमने क्या किया है और क्या कुछ जो है बहन भाइयों के साथ शेयर किया है ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। आज जी मौसम कुछ इस तरह का है, हवा जो है वो भी चली हुई है, बहुत ठंडी हवा चली हुई है, और फिर भी इब्राहिम ने नहा लिया है, काम चेक करें इसके, क्योंकि हमने कहा है कि ठंड है तो इसकी वजह से ना आदत बनी हुई है, ये कहता है बस चाहे ठंड हो सर्दी हो गर्मी हो जो भी हो, ये कहता है मैंने नहाना ही नहाना है, तो इधर नहीं नहाया, उधर चला गया था मेरे हिसाब से ना बेबो वालों के घर ना, उधर नहा के आया है, अभी हमने देखा तो नहा के आ चुका था। गेट हो गया जी हमारा बंद, और इधर जो है ना अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कहाँ की तैयारी है? नाना भी बता रहे थे हमें मिलने के लिए। सही। और हम जो है कहीं जा रहे हैं काम। आप कहीं काम जा रहे हैं? अच्छा, गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं। सही है जी, जाओ जी, अल्लाह पाक आपको खैर व खैरियत से ले जाए जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे हक में भी दुआ करनी है। अभी चलते हैं जी, चल के ये तो जा रहे हैं कहीं पर, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, ये भी मैंने नहीं पूछा कि फैमिली समेत जा रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं, लेकिन पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और हमारे मेहमान वगैरह जो थे वो भी आज चले गए हैं, तो अभी अभी उन्होंने कॉल की क्योंकि रात जो है वो अल्ताफ भाई के यहाँ थे, अब्बास भाई के यहाँ, तो अभी अभी उन्होंने कॉल की है कि हम जो है ना रवाना हो चुके हैं, तो आपने दुआ करनी अल्लाह पाक जो उन्हें खैर वखरिया से ले जाए, नादिया की सिस्टर भी थी और फैमिली वगैरह बच्चे मुकम्मल, तो सब को अल्लाह पाक जो है ना खैर वखरिया से ले जाए। और इधर ये गाड़ियाँ वगैरह निकाल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बाकी मौसम जो है ना बहुत प्यारा है माशाल्लाह, क्योंकि ऐसा इतना एक ठंड हो तो फिर सही है, नहाने का भी मज़ा आता है, फुल गर्मियों में भी मज़ा नहीं आता, फुल सर्दियों में भी मज़ा नहीं आता, ये जो मौसम होते हैं ना इस मौसम में VIP माहौल होता है। बैठा है जी मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? मैंने सुना था आपको बुखार था, फिर बुखार में जाके नहा लिया? किसने नहलाया है? इब्राहिम ने। इसको जी था बुखार और ये भी हाथें चढ़ गया इब्राहिम के, जैसे आपको मैंने दिखाया है ना कि वो भी नहा के आ गया और इसको भी साथ ले गया था, और ये जो है ना नहा के इसको भी नहला दिया और ख़ुद भी नहा लिया, और इधर जो है ना ये देखें ये सब्जियां वगैरह जो हैं वो लगाई हुई हैं ये देखें, और इधर जो है ना कुछ है। वाह, ये पता नहीं सरम है क्या है जिसे कहते हैं, वो सरसों वो ही है मेरे हिसाब से, वो लहसुन है, वो जो पहले मैंने आपको दिखाया है ना वो वाले, ये लहसुन है, लहसुन भी इन्होंने बेच दिए हैं और ये सरसों भी बेच दी है। तो अभी चलते हैं जी, इधर आए थे महीउद्दीन जो है वो नहीं है, वो तो बाइक ले गया है गंदम डालने के लिए चक्की पर, तो जैसे भी आएंगे फिर इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। और इधर जो है ना ये अहमद भाई वाला सामान पड़ा है सारा, ये देखें TR दरवाजे विंडो सारा कुछ जो है ना इधर स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। चलो, और बाकी जो है ना इधर मोटर वगैरह जो है वो फिट कराई थी, और पानी वगैरह जो है ना मुंशी ने मेरे हिसाब से लगाया है, पानी वगैरह जो है एक बार उन्होंने लगा दिया है। ये सामने जो है मोटर है, प्लेट भी लगी हुई है, साथ बैटरी भी रखी है, क्योंकि इधर पानी वगैरह लगाएंगे कुछ दिन तो ये अच्छी तरह जो है ना बैठ जाएगी, फिर उसके बाद जो है इन्होंने काम स्टार्ट करना है। वो वाला दरवाज़ा भी निकालना है इन्होंने, ये वाला गेट भी निकालना है, और ये वाला गेट कहाँ पर लगाते हैं वो भी सामने इधर ही लगाएंगे शायद ये प्लेट के साथ, क्योंकि वो कह रहे थे अपने घर के सामने
गेट निकालेंगे। तो इधर से गेट इधर ले आएंगे, ये दीवार कर देंगे और वो गेट भी निकाल देंगे दरवाज़ा, उधर भी इन्होंने दीवार कर देनी है। और बाकी जो है ये साइड हो गई और ये सारा सिस्टम जो है, फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट होगा देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में जो है ये बनाते हैं और कौन सी कंडीशन में जो है नहीं बनाते। उधर जा रहा था लेकिन उधर ना सफाई हो रही थी, पानी वगैरह से फर्श धोया जा रहा था, फिर मैंने कहा पाँव में ना सारी जूती पे मट्टी होगी फिर वो जो है ना ख़राब हो जाएगी, जब थोड़ा खुश्क हो जाएगा फिर जाएंगे उधर। अभी जो है ना उधर क्या कहते हैं पानी जो है ना अभी अभी लगा रहे थे, फिर इसलिए मैं उधर नहीं गया। अरे हसन कहाँ गए थे के जा रहे हो कहीं पर? नहीं नहीं घर से आ रहे हैं। ऐसे अभी नहलाया तो कपड़े चेंज करवाए तो रोने लग गया के क्यों नहलाया है। तबीयत अभी इसकी कैसी है? सुबह तो सो रहा था। बस दवाई ले रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये इसको ना सर्दी सर्दी से बचाए, सर्दी से, ये सर्दी की वजह से इसकी ना छाती वगैरह बंद हुई पड़ी है, इसलिए तो गर्म कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे आज तो वैसे हवा है ना, ठंडी हवा चली हुई है, बिल्कुल ठंडी हवा है। लेकिन बच्चे फिर भी वो इब्राहिम नहा के आ गया, पता नहीं कहाँ से नहा के आ गया, और सदीक को भी नहला दिया। नहीं घर से नहीं आया, अपने घर नहीं नहाया, किसी और जगह पे नहाया, इधर नहीं आया, इधर से नहा गया होगा। फिर उसको भी नहला दिया और खुद भी नहा के उधर पहुंच गया। इनको एक दिन ना नहलाया तो फिर आपको पता है कि इनका जिस्म कैसा है, एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए मैंने नहला के फिर जो है ना अभी गर्म कपड़े पहना दिए। ऐसे होए अभी ऐसे देख रहा है जैसे गुस्सा हुआ पड़ा है, अभी अभी नींद से उठा ना इसलिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बाइक भी आ चुकी है, आटा भी एक अभी गंदम लेके गए, आटा लेके आए कहीं पर नहीं जाना। ये क्या है ऊपर मौसमिया, ये कहाँ से लिया है? ये बाबा रेडी वाला जा रहा था, फ्रेश फ्रेश नजर आ रही थी तो ले ली माशाल्लाह। अच्छा खाता हूँ ना मैं, बच्चे बीमार हैं, तीसरा चौथा दिन है नहीं आई घर में, बच्चे बीमार हैं, अब खाएंगे। कौन से बीमार हैं? सिद्दीक है, वो तो नहा के बैठा है अभी। हाँ रात कुछ उसका इलाज मुआवजा किया है ना इसी वजह से। अच्छा खानी हो तो ले लो, एक दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, यार उधर दे दो, मुझे थोड़ा सा काम है इमरजेंसी वाला, मैंने वो करना है, ये पकड़ो। किधर फिर काम हो गया? ये घर दे दो अस्कर भाई वाले पास काम है। चला जी अभी गाड़ी जो है इनके रेडी हो रही है, जैसे आपने पहले जो है मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है ना कई बार जा रहे थे, लेकिन मैंने पूछा नहीं था विद फैमिली जा रहे हो या अकेले जा रहे हो? विद फैमिली। फिर तो कहीं दूर जा रहे हो गए? फैमिली का काम है ना। अच्छा दूर जा रहे हो फिर, सही है। ये भी जा रहा है साथ लंबरदार, आप तो जाओगे ना? जाना ही है इसका काम, ही इसका जाना है, काम नहीं तो याद आए, इसका काम ही जाने वाला है। अल्लाह हाफिज बाय। खानपुर जाओगे क्या अभी? हाँ जी। फिर जाओगे? हाँ। अच्छा माशाल्लाह जी गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही है, अभी जा रहे हैं जी अपनी मंदिर की तरफ, और आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है खैरो खरिया से ले जाए। ओके जी बाय बाय। गाड़ी जा रही थी, गाड़ी देख रहा था। अच्छा जी। हाँ अभी जाएगी, प्लीज कनेक्ट कर रहे हैं। लगता है खिड़कियां जो है ना वो लॉक नहीं हुई थी, इस वजह से लॉक कर रहे थे। माशाल्लाह जी चलो जी।
असलम खान सोए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी जा रही है? फिट है, जबरदस्त है। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं? मैच। किसका मैच है आज? न्यूजीलैंड पाकिस्तान। क्या आपको नजर आ रहा है? पहले बैटिंग कर रहा है न्यूजीलैंड। सही। और 6.52 के रन रेट पे जा रहा है। चौके छक्के लगा रहे हैं, धो रहे हैं फिलहाल तो धो रहे हैं। अभी बना लिया इन्होंने एक आउट करना, 151 23 और मुकम्मल हो गए। और भाभी साहबा भी बैठी है, आप सुनाए आपकी तबीयत कैसी है? जबरदस्त है। खाने वगैरह खा लिया? हाँ जी। इतना जल्दी खा लिया? इतना जल्दी 12 बजे खा लिया? 12 बजे दोपहर का खाना खाते हैं हम तो, सुबह का नाश्ता किया है। हमने तो अभी अभी नाश्ता किया है। हमारा नाश्ता सुबह वाला जो होता है ना, 6 बजे वाला, वो 12 बजे होता है। अच्छा। हाँ। सही सही। और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त चल रही है। हाँ ठीक है, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, घर की सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा फिर राउंड शोर लगाती हैं, इधर चल के देखते हैं क्या चल रहा है माहौल। हैदर हैदर उधर देख। और क्या कर रहा है? नहीं बिल्ली नहीं चलती, कहता बिल्ली चला दो। बिल्ली नहीं चलती, बिल्ली जो है ना वो चली गई है, अपने घर चली गई। बिल्ली अपने घर चली गई है। अब यही हैदर बिल्ला पड़ा है। सही। अच्छा वो ऑपरेशन का सुना है, क्या सूरत हाल है? सही है, छुट गया है। अब स्पीड लगा सकते हो 120 की? नहीं बहुत बहुत देर है, अभी बस ऐसे चल सकता हूँ। अच्छा सही है, चलो अल्लाह पाक सिया दे जी। और इधर आए थे, हमने कहा चलो मैच भी देख लेते हैं, ये देखें, और इधर जो है ना बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन मैच के लगता है सूरत हाल जो है ना सही नहीं है। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान को फतह दे दे, बाकी नसीब की बात है, जो भी होगा अच्छा होगा। बिल्लियाँ दियो, बल्ला दियो इसको, बल्ला वो देखो उठाके। और माशाल्लाह जी ये देखें, ये फूल जो है ना इन्होंने टेबल के ऊपर सजाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। डबल जो है ना इधर लगा दिए, एक जो है ये लाल वाला और साथ जो है उसके पीले कलर वाला, और छोटे जो है ना वो ऊपर लगा दिए हैं, वो देखें। उसके बाद बेड वगैरह भी अंदर लगे हुए हैं इनके, सारा सिस्टम जो है उन्होंने ओके कर लिया है माशाल्लाह जी। तो चलते हैं जी, बाकी भी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जो जैसे भी हमसे बन पाएगी। अभी ना इधर बैठा था सामने एलडी के, तो थोड़ी बहुत ही मैंने कहा बातचीत कर लेते हैं। तो बैठा है जी इब्राहिम खान। इब्राहिम खान क्या हाल है? ठीक। तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? खेल रही। नाश्ता? नाश्ता नाश्ता आपने कर लिया है? कर लिया है, मेरे साथ किया था, चाय भी पी है। नाश्ता भी किया था? नाश्ता किया था? नहीं किया था। मुझे पता है जिस टाइम आपने नाश्ता किया है, नहीं किया था। नहीं, आप सुबह उठे हो, चाय पी है और पापे खाए हैं, फिर उसके बाद जो है जब मैं नाश्ता कर रहा था फिर भी आपने नाश्ता किया है और चाय पी है। नहीं किया? नहीं किया है। चलो दुआ सम कर लो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह जी वाह। इब्राहिम ने जी दुआ सम कर ली है, और उसके बाद जी सफाई वगैरह अंदर कमरे की ये भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिंग वगैरह इस कमरे के मुकम्मल। और बहर का जो है वो भी आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ।
बहर जो है ये भी देखे, सारी सफाई वगैरह जो है वो ओके हो चुकी है। और उसके बाद जी वीडियो भी हमारी यहीं पर जो हो रही है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी, अगर पसंद है तो वीडियो को शेयर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, ओके बाय जी।